नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी के एक होटल में होने वाले तिलक समारोह में सूट बूट पहन एक चोर चकमा दे 5,50,000 नग सहित चांदी के जेवरात। चोरी करने वाले गिरोह का कटनी पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से 4,00,000 रुपए नग तथा भेंट स्वरूप चांदी की थाली तथा मछली बरामद किए है। इस मामले में चोरी के एक दिन बाद लाइव चोरी को अंजाम देते एक नाबालिग चोर का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। कटनी एसपी सुनील जैन ने बताया कि 17 नवंबर को फरियादी विजय राघवगर के बरेहटा निवासी अभिनव सिंह बघेल एनकेजे थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि जुहला बाईपास के पास के राय रेजेंसी होटल में तिलक का रात्रि में कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में 5,00,000 रुपए नग तथा भेंट स्वरूप चांदी की थाली तथा मछली एक कपड़े के थैले को ट्राली बैग अटैची में पैक कर राघव रेंजेसी के कमरा नंबर 108 में रख कमरे की खिड़की दरवाजा बंद कर दिया था। रिश्तेदारों को खाना खिलाने के बाद कमरे में आया तो देखा कमरे में रखा ट्रॉली बैग खुला अस्त व्यस्त पड़ा था। कमरा न 108 की खिड़की में लगे कांच के स्लाइडर गेट खुला 3 था। ट्रॉली बैग में रखा थैला तथा थैले में रखे पैसे तथा चांदी का सामान नहीं था। घटना को गंभीरता से लेते हुए अपराध पंजीबद्ध कर होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल संदेहियों के फुटेज मुखबिरों को देकर पूछताछ किए, जो मुखबिर से सूचना मिली कि फुटेज में दिख रहे संदेही राजगढ़ जिले के हैं। मुखबिर के बताए अनुसार संदेहियों की पता तलाश कर संदेहियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया, जो थाना एनकेजे में चोरी की घटना करना स्वीकार किया। आरोपी से थाना एनकेजे के राघव रेजिडेंस से चोरी गए चांदी के जेवरात एवं 4,00,000 रुपए नकद आरोपियों से जब्त कर दोनों आरोपियों जिसमें से एक नाबालिग युवक है जिन्हें को न्यायालय पेश किया गया है। कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 17/11 को राघव रेजिडेंसी होटल में थाना न्यू कटनी जंक्शन एनकेजे के अंतर्गत एक घटना घटित हुई। उनके यहाँ शादी का फंक्शन चल रहा था, उसमें बैग को लिफ्ट किया गया। बैग लिफ्ट करने के बाद हम लोगों ने जब वहाँ के वीडियो फुटेज खंगाले तब हमको समझ में आया कि प्रोफेशनल गैंग कड़ारिया सांसी गैंग के द्वारा ये घटना की गई है। ये राजगढ़ के थाना बोड़ा के रहने वाले हैं। हम लोगों के द्वारा इसमें मेहनत की गई और मेहनत करके जिस लड़के ने बैग लिफ्ट किया था और जो उसका सहयोगी था मोटरसाइकिल वाला, उन दोनों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने उनसे 4,00,000 रुपए प्लस चांदी का सामान जब्त किया गया। मोटरसाइकिल जो यूज हुई है घटना में उसकी भी जब्ती की कार्रवाई पुलिस के द्वारा पृथक से की जाएगी। सर, कटनी समेत और किन जिलों में इन्होंने घटना कर अभी था? अभी मेरे पास एसपी खरगोन का फोन आया था, वो इस गैंग से पूछताछ करने के लिए उसकी टीम आ गई है। घटना शायद उनकी उन्होंने भी वहाँ जिस लड़के ने किया था उसको उम्र में बहुत कम लग रहा था। हाँ, वो इनकी इनकी एक खासियत है इस गैंग की, जितने भी प्रोफेशनल गैंग है उनको सबको मालूम है कि नाबालिग बच्चों को इसमें बैग जैसे ही वो लिफ्ट करता है नाबालिग बच्चा, नाबालिग बच्चे को वो पुलिस जनता पकड़ती है, 2-4 थप्पड़ मार के छोड़ देती है और बैग अपने पास रख लेती है। इसलिए वो नाबालिग बच्चे का सहारा लेते हैं और नाबालिग बच्चा इतना इनका ट्रेंड रहता है कि वो बैग लिफ्ट करके अपने दूसरे साथी को देता है और फिर ये दोनों मोटरसाइकिल से रास्तों से फरार। सर, दूसरे जिलों की गाड़ियां सर कटनी शहर के अंदर क्षेत्र में घूमती हैं सर, इसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था कितनी? हाँ देखिए, अब ऐसे तो हम किसी की मोटरसाइकिल पे कोई सर गाड़ी के कागजात वगैरह ये सब भी चीजें होती हैं जो मोटरसाइकिल, देखिए मोटरसाइकिल पे दो लोग घूम रहे हैं उसका तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, वो थोड़ी मना कर सकते, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन। दूसरे जिले जिले में तो वो तो बहुत सारी निकलती हैं मोटरसाइकिलें, वो तो नहीं मना कर पाएंगे हम लोग, पर इतनी ज़्यादा वाहन चेकिंग भी करेंगे तो फिर शिकायतें होने लगती हैं।